पहले आप लोग को चले आना है यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में और फिर यहाँ पे बिंग AI जनरेटर सर्च कर लेना है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक में क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की यहाँ पे बिंग वेबसाइट में आप लोग आ जाओगे। ज्वाइन एंड क्रिएट में क्लिक कर देना है आप लोग को, यहाँ पे क्रिएट वन में क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग को गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस में क्लिक कर देना है और फिर यहाँ पे कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे कि ओम एडिट टिंग लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे होम एडिटिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग को यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग को एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोग को अपना नाम ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट में क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आप लोग को कंट्री, तो इंडिया ही है हमारी, टाइप से यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मतलब आप लोग कुछ भी लिख सकते हो उसमें, ठीक है। मैं तो यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्या है। नेक्स्ट में क्लिक कर देते हैं। फिर यहाँ पे पूछेगा भैया कि आप रोबोट तो नहीं हो। नेक्स्ट में क्लिक करते हैं और इसको बता देते हैं। यहाँ देखिए ये फिंगर जो दिख रही है आप लोग को, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको करना है आप लोग को। जैसे कि ये इस साइड में है, तो मैं इसको इधर करके फिर यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। और इसी टाइप से कुछ और भी पूछ सकते हैं आप लोग, कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने, मेरे को एक ही बार में ये पहचान गई कि भाई मैं तो रोबोट नहीं हूँ, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे भैया हमारा काम हो चुका है, इसको एक बार और रिफ्रेश कर दीजिएगा आप लोग। तो इस टाइप का देखिए इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्लिक कर देना है आप लोग को, और जो भी आप लोग को जनरेट करवाना है, जो भी स्टोरी है, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो।